वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आसिफ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जर्दा कैसे बनाने का है। आज बड़ी रात है तो जर्दा बनाने वाली हूँ, तो उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया है, कुकर में मैंने 8 से 10 चम्मच तेल डाल दिया है, मतलब ऑयल डाला है। मैंने घी यूज नहीं किया, मैंने विदाउट घी और विदाउट मावे के ये जर्दा बनाने वाली हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो इलायची, दालचीनी और लविंग है वो डालती हूँ। तेल को पहले से मैंने गर्म करने रख दिया था। मैंने घी के बदले ये फुल फैट मलाई वाला दूध है वो 1 कप यूज करने वाली हूँ, इससे जर्दा बहुत अच्छा बनेगा। तो ये डाला और इधर मैंने ये 3 कप चावल जो बासमती रहते हैं इसको आधे घंटे पहले से भिगने को रख दिया है, तो ये इसमें डाला। अभी इसमें ये चावल डायरेक्ट डालती हूँ। जब भी आप ये जर्दा बनाओ या बिरयानी बनाओ तो चावल को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा भिगने को रखने का। तो फिर अभी मैं आधा घंटा रखी हूँ। ये सब हुआ, अभी इसमें जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है ना आपके घर में, जो पसंद हो या नहीं पसंद हो, अवेलेबल हो नहीं हो तो आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये कोपरा है, ये टूटी फूटी है, काजू बादाम या वो क्या बोलते हैं जर्दाल और किशमिश, तो ये सब डालती हूँ। और अंजीर, हाँ अंजीर और जर्दा है। जो आपके बच्चे अगर नहीं खाते हो, जो आपके घर में अगर अवेलेबल ना हो तो मत डालना, स्किप कर देना। और फिर ये 1 ग्लास दूध फुल फैट है मले वाला। जब मैं बनाती हूँ तो ऐसी स्टाइल से बनाती हूँ, और मम्मी बनाती है तो घी में वो सब डालती है, मैं ऐसा दूध और मले डाल के बनाती हूँ। और अभी जर्दा है तो जर्दे का कलर बस, अभी कुछ नहीं करना, बहुत इजी सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। इसकी 2-3 सीटी करती हूँ और बाद में इसमें क्या बोलते हैं शुगर डालती हूँ और आपको बताती हूँ। और अभी इसकी 3 सीटी हो गई है, अभी चेक करते हैं कैसा हुआ है। लुक लाइक देख सकते हो अच्छा हुआ है। अभी इसमें शुगर ऐड करने की है, फिर से गैस चालू करती हूँ, बारीक रखती हूँ। और ये 1 कप से मैंने चावल लिया था, तो ये 3 कप चावल था, तो शुगर मैंने 2.5 कप लिए, थोड़ा आधा कप कम किया है। और ये पानी में भिगी हुई केसर है और ये केसर फ्लेवर का एसेस है, ये ऑप्शनल है पर मैं डालती हूँ। तो अभी इसमें ये शुगर ऐड करती हूँ। बस बहुत इजी तरीके से आपको बताई हूँ, याद से बनाना और मुझे याद से कमेंट में लिखना कि आपका जर्दा कैसा बना। और आज बड़ी रात है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, दुआ में याद रखना। और अभी ये केसर डालती हूँ, ये ऑप्शनल है आप स्किप कर सकते हो पर मैं डालती हूँ। बस अभी एकदम मीडियम टू लो गैस पे 2 सीटी इसकी करती हूँ और डायरेक्ट आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये एसएस ये भी ऑप्शनल है, कौन इसमें पाइनएप्पल कटा हुआ ऐड करते हैं वो डालते हैं, जिसकी जैसी मर्जी रहती वो करते हैं। मैं ये केसर फ्लेवर का इसे डाली हूँ, ये अपने आप शुगर मेल्ट होगी और जर्दा इजीली पक जाएगा। तो अभी 2 सीटी हो गई है और अभी चेक करते हैं कैसा जर्दा का हाल है। आप देख सकते हो 2 सीटी होने के बाद क्या करना, 5-10 मिनट ऐसे ही ढक के रखना,
जिसकी वजह से इजीली हो जाए ना। हमेशा जर्दे में क्या होता है, शक्कर की वजह से चावल कच्चा नहीं रह जाता है, नहीं ऐसा कुछ होता है। तो अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो एकदम अलग अलग दाना छूटा हुआ है। और विदाउट घी का है क्योंकि मैंने इसमें मलाई यूज की है। तो आप भी वैसा यूज करना, वैसा बनाने का ट्राई करना और मुझे यहाँ से कमेंट में भी बताना। और जब आप खोलोगे ना तो इसमें से अच्छी केसर की खुशबू भी आएगी। थोड़े और ड्राई फ्रूट डालते हो, अब अगर नहीं डालना तो भी डाल, नहीं डालने का। तो अभी डालती हूँ थोड़ा। और इसके साथ मैंने वेज मसूर की बिरयानी बनाई है, उसका वीडियो आज नहीं बनाया। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप इसका भी लुक देख सकते हो। अयो ये वेज मसूर की बिरयानी है और ये जर्दा है। तो आपको दोनों मतलब जर्दे की रेसिपी कैसे लगी मुझे याद से कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। और सबको आज बड़ी रात की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।